आज के वीडियो का प्रश्न है कि पुलिस आपके फोन से कौन सा डेटा रिकवर कर सकती है या करवा सकती है। जब मैसेजेस या फोटोग्राफ्स या पिक्स इनसे संबंधित कोई आरोप लग जाता है और पुलिस को फोन की जब्ती कर लेनी होती है तो फिर उस फोन को डेटा रिकवरी के लिए भेज दिया जाता है। इसमें आमतौर से दो फोन होते हैं, एक शिकायतकर्ता महिला का होता है और दूसरा आरोपी पुरुष का होता है। दोनों से ही डेटा रिकवरी की जाती है। मोबाइल फोन्स के डेटा का अर्थ किसी भी डेटा से हो सकता है, वह मैसेज हो सकता है, वह ऑडियो क्लिप हो सकता है, वह वीडियो क्लिप हो सकता है, कोई पिक हो सकती है, कोई फोटो हो सकती है या कोई भी दूसरा कम्युनिकेशन हो सकता है। एक विशेष स्थिति वह होती है जब एक प्लेटफॉर्म से जैसे लैपटॉप से तैयार मैसेज को दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे मोबाइल फोन पर भेज दिया जाता है, तब तकनीकी रूप से यह अधिक पेचीदा स्थिति हो जाती है और इसमें दोनों के कंपैटिबिलिटी का एक नया इशू सामने आ जाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड दोनों के मोबाइल फोन से अलग अलग डेटा प्राप्त होता है, तब सवाल यह पैदा होता है कि किसके फोन के डेटा को अधिक विश्वसनीय माना जाए। तो यह कानूनी क्षेत्र का सवाल है और जब यह पैदा होता है तो इसे कानून के अनुसार निपटाया जाता है। यह जानकारी फिर कभी किसी भविष्य के वीडियो में साझा की जाए। आज केवल यह जानने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल फोन से डेटा रिकवरी के कितने तरीके हैं और उनसे कौन कौन से डेटा को प्राप्त किया जा सकता है। उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जब दोस्ती गहरी होती है और यह अंदाजा नहीं होता कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो आपसी कम्युनिकेशन में सभी कुछ आदान प्रदान होता रहता है। वह भी हो जाता है जो सार्वजनिक रूप से सामने आने पर आप असहज महसूस करते हैं। खैर, तकनीक को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, वह तो जो कुछ भी डेटा के अंदर होता है उसे रिकवर कर देती है और रिकॉर्ड के ऊपर लाकर प्रस्तुत कर देती है। मोबाइल फोन्स की डेटा रिकवरी कंप्यूटर्स की डेटा रिकवरी से अधिक पेचीदा होती है और इसका कारण है मोबाइल फोन्स की बहुत सी मेमोरी का स्वभाव वोलेटाइल होता है। इसकी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात समय के साथ उड़ जाती है और परिवर्तित हो जाती है। इसके फलस्वरूप मोबाइल फोन से डेटा रिकवरी के तीन मानक तरीके हैं स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से। ये हैं लॉजिकल एक्सट्रैक्शन, फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन और फिजिकल एक्सट्रैक्शन। लॉजिकल एक्सट्रैक्शन मेथड में एक फोरेंसिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है और वह फोरेंसिक टूल उस मोबाइल फोन की ऊपरी परतों में से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यह लगभग उसी गहराई तक का डेटा निकाल लेता है जिस गहराई तक मोबाइल फोन्स का ओएस निकाल सकता है। ओएस माने ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं, एंड्रॉइड होता है, आईओएस होता है या विंडोज होता है। सादे शब्दों में अगर हम डेटा रिकवरी को देखें लॉजिकल एक्सट्रैक्शन के द्वारा, तो लॉजिकल एक्सट्रैक्शन उसी डेटा को देख सकता है और एक्सट्रैक्ट कर सकता है जिस डेटा को आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके मोबाइल फोन में देख और एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसका कारण क्या है? कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके फोन से पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा को नहीं देख सकता है, ना ही उसे रिट्रीव कर सकता है। इसी तरह से लॉजिकल एक्सट्रैक्शन भी आपके फोन से पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा को न देख सकता है न रिट्रीव कर सकता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके फोन से डिलीटेड डेटा को न देख सकता है ना ही उसे रिट्रीव कर सकता है। इस तरह लॉजिकल एक्सट्रैक्शन भी आपके फोन से डिलीटेड डेटा को न देख सकता है न उसे रिट्रीव कर सकता है। लॉजिकल एक्सट्रैक्शन आपके फोन से केवल सतही डेटा को रिट्रीव कर सकता है। जो डेटा आपने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया था या डिलीट कर दिया था वह लॉजिकल एक्सट्रैक्शन की सीमा से बाहर चला जाता है। दूसरा एक्सट्रैक्शन होता है फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन। फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन में फोरेंसिक टूल उस मोबाइल फोन से डेटा को नहीं लेता बल्कि सीधे फोन की इंटरनल स्टोरेज और उसके डेटाबेस से डेटा को लेता है। यह एक अधिक गहरा तल है। लॉजिकल एक्सट्रैक्शन की अपेक्षा यह अधिक कॉम्प्लिकेटेड डेटा को रिकवर कर सकता है। इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा भी होते हैं और इसमें डिलीटेड फाइल वाले डेटा भी होते हैं। इससे यह यूजर को स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लेवल से अधिक गहरी जानकारी दे देता है। इसे मोबाइल फोन्स में ओएस के द्वारा न देखा जा सकता है और न ही रिट्रीव किया जा सकता है, यानी कि जो
OS आपको स्क्रीन पर दिखाता है मोबाइल फोन्स में, यह उससे अधिक गहराई एक्सट्रैक्शन करता है। इसका नाम है फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन। तो फाइल सिस्टम एक्सट्रैक्शन जब इंटरनल स्टोरेज और डेटाबेस से डेटा को रिकवर करता है तो वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा और डिलीटेड डेटा उनको भी रिकवर कर सकता है। यदि वह स्टोरेज किसी मोबाइल क्लीनर को चलाए जाने से पहले प्राप्त हो जाए तो ये संभव है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी डेटा को डिलीट कर दिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर एक मोबाइल क्लीनर चला दिया जाए तो डिलीटेड डेटा को हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। डिलीशन के बाद अगर डेटा क्लीनर चल गया, पासवर्ड प्रोटेक्टेड के बाद डेटा क्लीनर चल गया तो फिर उस डेटा को रिकवर नहीं किया जा सकेगा। डेटा क्लीनर को चलाने से रोम का उतना भाग ओवरराइट हो जाता है और उस मेमोरी सेक्टर में दूसरी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जो पहली इंफॉर्मेशन थी जिसको आपने डिलीट किया था या जिसको इधर उधर किया था वह ओवर रिटर्न हो जाती है। तीसरा, मोबाइल फोन एक्सट्रैक्शन का तरीका हमारे पास फिजिकल एक्सट्रैक्शन का तरीका है। किसी मोबाइल डिवाइस की संपूर्ण मेमोरी का कंप्लीट कंटेंट अगर हमें निकालना है तो वह फिजिकल एक्सट्रैक्शन के द्वारा ही संभव होता है। फिजिकल एक्सट्रैक्शन में बिट बाय बिट कॉपी ऑफ द एंटायर कंटेंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल होता है। इस बिट बाय बिट कॉपी ऑफ द एंटायर कंटेंट्स ऑफ मेमोरी में सभी डिलीटेड डेटा भी शामिल होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी होता है, हिडन फाइल्स भी होती हैं, और यदि आप इसमें इस डिलीशन को अनेक बार कर देते हैं और उसके साथ साथ फैक्ट्री डेटा रिसेट को भी करते रहते हैं तो यह सब कुछ आपके फोन के लॉग में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस समय फाइल एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस समय यह पता लग जाता है कि किस किस डेटा को डिलीट किया गया है, कितनी बार डिलीट करने के प्रयास किए गए हैं, कितनी बार फैक्ट्री डेटा रिसेट किया गया है। पुलिस द्वारा ऐसा प्रयास देखे जाने पर यह डेटा मैनिपुलेशन का केस बन जाता है। इस जानकारी का पता चलने पर पुलिस आरोपी के ऊपर सेक्शन 201 आईपीसी का एक अन्य आरोप भी लगा देती है जिसके अनुसार आरोपी ने एविडेंस को गायब करने या उसके मूल स्वरूप की अपेक्षा उसे छिन्न भिन्न करने की कोशिश की होती है। इस तरह देखा जाए तो फिजिकल एक्सट्रैक्शन किसी भी डिवाइस में उपलब्ध हर जानकारी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, चाहे वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चाहे वह डिलीटेड हो। यदि मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की गई है तो वह क्या छेड़छाड़ की गई है और कितनी बार छेड़छाड़ की गई है यह सब कुछ फिजिकल एक्सट्रैक्शन के द्वारा पता लग जाता है। यह ओरिजिनल डेटा और टेम्पर्ड डेटा दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकता है। तो सवाल पैदा होता है, क्या फिजिकल एक्सट्रैक्शन को भी मात दी जा सकती है? क्या इस मेथड को हराया जा सकता है? हमारे बहुत से वेबसाइट के पाठक और यूट्यूब के व्यूअर्स ये पूछते हैं कि क्या फिजिकल एक्सट्रैक्शन को मात दी जा सकती है? तो एक शब्द में यही उत्तर है कि हाँ, यह सब संभव है। लेकिन उस तरीके और उस टूल को यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि अनेक व्यक्ति उसका इस्तेमाल बचाव के लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के प्रति अपराध करने के लिए करने लगते हैं। यह बहुत बेजा बात है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपराध या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। इसलिए हम यह तकनीक उन्हीं लोगों को बताते हैं जो हमारी संस्था के मेंबर होते हैं और जिनके साथ बातचीत करने के बाद, जिनका केस स्टडी करने के बाद हमें विश्वास हो जाता है कि इस तकनीक का गैर कानूनी प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला सवाल होता है कि लैब वाले आखिर फोन से डेटा निकाल कैसे लेते हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी तकनीकें दी गई होती हैं, उसके बावजूद लैब के अंदर जाते ही, गवर्नमेंट लेबोरेटरी के अंदर जाते ही सारा फोन का डेटा कैसे निकल आ जाता है? गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में फोन का डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु इसराइल का बना हुआ सेलेब्राइट डिवाइस सबसे अधिक विश्वसनीय होता है। यह सभी मोबाइल फोन्स के अंदर से डेटा निकालने में सक्षम है। पहले आईफोन के iOS के द्वारा कुछ अड़चन पेश की जाती थी और वह इसे अपने फाइल सिस्टम का रास्ता नहीं देता था, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लिया गया है। वर्तमान काल में जैसे ही बूटिंग शुरू की जाती है मोबाइल डिवाइस की, तो मोबाइल डिवाइस की बूटिंग के इमीडिएटली बाद OS शुरू होने लगता है। सेलेब्राइट वहीं पर जाकर जो सिस्टम का OS है, जो सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे स्टार्ट होने से पहले ही अपना एक विशेष
ओएस उसमें डाल देता है। डिवाइस का ओएस कभी शुरू होने ही नहीं दिया जाता, तो डिवाइस के ओएस द्वारा जिस डेटा को छिपाया जाता था वह डेटा भी अब सारा का सारा इस सेलेब्राइट डिवाइस के सामने होता है। तो जो भी डिवाइस के ओएस की, डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम की डेटा को छिपाने की खासियत थी, जैसे आईओएस की अपनी खासियत होती है, एंड्रॉइड की अपनी खासियत होती है, सिम्बियन की अपनी खासियत होती है, विंडोज की अपनी खासियत होती है, तो वे सारी की सारी खासियतें एक तरफ धरी रह जाती हैं और जांच एजेंसी अपने विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए वहां छोड़ देती है। वह जांच एजेंसी का विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल के डेटाबेस से फिर अपने तरीके से डेटा एक्सट्रैक्शन करता है, इसमें कोई अड़चन नहीं आती। अगला सवाल है कि जिस समय आपके फोन को रिकवर किया जा रहा था तो क्या पुलिस ने कुछ गलतियां की थी? हाँ, आप देखेंगे पुलिस फोन को जब्त करते समय क्या क्या कानून पालन नहीं करती है। वो बहुत सारे कानून होते हैं, वो सीधा सा कपड़े में बांधकर फोन को जब्त कर लेती है, जबकि प्रोसीजर दूसरी है। पुलिस द्वारा की गई इन सब कानूनी अनियमितताओं का, कमियों का आरोपी को लाभ मिल सकता है। इस विषय को अगले वीडियो में कवर करते हैं, अन्यथा यह वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा सकती है। अब आपसे आपकी बात, यदि आपके ऊपर भी फॉल्स एलिगेशन की, झूठे आरोप की तलवार लटक रही है तो हमें बताएं, हम आपको कानूनी राह सुझाएंगे। पूरे देश से हमारे पास सहायता की मांग आती है। फॉल्स एलिगेशन के आरोपियों से, उनके वकील साहिबान से ये मांग बार बार आती है। हम उनकी कानूनी समस्याएं सुलटाते हैं, आपकी भी सहायता करना हमारा फर्ज है और हम उस फर्ज को जरूर निभाएंगे। हमारी सभी उपलब्ध वीडियोस को देखिएगा, उनमें से हर एक में झूठे आरोप के खिलाफ कुछ ना कुछ युक्ति बताई गई है। आप उसे देखिएगा, समझिएगा, वह आपकी सहायता करेगी और आपको इस मुश्किल से पार दिलाएगी। बहुत सोच विचार करके समय ना गवाएं। कई बार हमने देखा है कि आरोपी सोच विचार करते रह गए हैं और प्रोसिक्यूटर्स के झूठे आरोपों पर सही से क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं हो पाया है। बहुत से कानूनी नुकसान आरोपी को हो गए हैं। आप भी समय ना गवाएं। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। हमसे संपर्क करें और हमारे मेंबर्स बनें। हमारा व्हाट्सएप नंबर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पर कॉल करें। इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो छूट ना जाए। अगली वीडियोज में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।